नागपुर शहर के शारदा चौक नंदन वन स्थित आराध्य ज्वेलर्स की ओर से कलर्स ऑफ जॉय के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आराध्य ज्वेलर्स के संचालक आशीष मनपिया ने उम्मीद जताई कि लगभग 60 प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हिंदू धर्म में आंगन या द्वार पर रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है और इसे घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। वहीं रंगोली बनाना एक बहुत अच्छी कला के तौर पर भी देखा जाता है, जिसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से आराध्या ज्वेलर्स की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए आराध्या ज्वेलर्स के संचालक आशीष मनपिया ने बताया कि लोगों से इसी बहाने मिलना भी हो, इस उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हम लोग पिछले 4 सालों से आराध्या ज्वेलर्स के आराध्या ज्वेलर्स जब से फाउंड हुआ है तब से हम लोग यहाँ रंगोली कंपटीशन करते हैं। रंगोली कंपटीशन करने का ये हमारा हेतु है कि भाई एक तो लोगों से गेट टुगेदर हो जाता है, साथ में जो कला है लोगों की, जैसे लेडीज़ की बोलो या जेंट्स की बोलो, सभी लोगों की जो कला है वो निखर के आती है और दिखाई देती है। साथ में हमारे जितने भी बस्ती के प्रभाग के लोग हैं उनसे एक मिलना जुलना इस तरह से हो जाता है, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। जिसमें हम लोग इस बार के आयोजन में हमने सोने चांदी के सिक्के का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसका भी प्राइज लगेगा उनको सोने चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, और बाकी जो पार्टिसिपेट है उनके लिए भी 7वां पुरस्कार हमने रखा है जिनमें चांदी के सिक्के है और हमारा प्रमोशनली एक घड़ी है वो हम लोग देने वाले हैं। 2 वर्षापासून आम्ही इकडे रांगोळी स्पर्धा करता हूँ। इकडे भरपूर लोक स्पर्धेमध्ये भाग घेतात, त्यांना प्रत्येकांना गोल्ड कॉइन चांदीचे सिक्के वगैरे सगळ्यांना प्राइज वगैरे मिळतात, सगळ्यांना सगळे एन्जॉयमेंट वगैरे करतात, खूप प्रतिसाद भेटतात आम्हाला आणि चांगला पण होता कार्यक्रम हर वर्षी। इस अवसर पर बताया गया कि जब से आराध्या ज्वेलर्स की शुरुआत हुई है तब से इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।